लो पानी पियो। इसी को दे रही हूँ। आराम से पानी पियो और फिर तुम्हारी जो भी तकलीफ है ना मैडम सर को बताओ, एक वही है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। वैसे क्यों किया तुमने बेटा ऐसा? देखने में तो कितने अच्छे सुशील परिवार की अच्छी पढ़ी लिखी समझदार लड़की लग रही हो तुम। हमारे और हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए जो हमारे नसीब में ऐसी। जी मैडम सर, हम मुद्दे पर आते हैं, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों वहाँ रेडियो सेंटर जाके इतना तहलका मचा दिया और वो भी नकली गन के साथ? और आप ये बार बार क्यों बोल रही हो कि साली आधी घर वाली कहावत को बदलो? क्यों? क्योंकि इस कहावत ने मुझे परेशान कर रखा है। मैं चाहती हूँ ये कहावत बंद होनी चाहिए, ये ट्रेडिशन खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ना मुझे। सांस लो। गजब रफ्तार पकड़ ली। अब बोलो। अरे ये भी कोई बात हुई? अरे जीजा साली का रिश्ता तो कितना अच्छा रिश्ता होता है, उनके बीच में जो नोकझोंक होती है, हंसी मजाक होता है, ये तो आम बात है हमारे यहाँ। उल्टा इसके बिना तो जीजा और साली का रिश्ता भी पूरा नहीं माना जाता। तुमको बताते एक किस्सा। पता है एक बार ना हमारे जीजा जी जो थे ऐसे ही छत पर चले गए और हमने उनके साथ मस्ती करने के लिए जो लकड़ी की सीढ़ी थी ना वो ही हटा दी। फिर क्या, पूरी रात जीजा जी हमारी छत पर थे। और तो और उन्हें वहां सांप ने भी काटा। बाप रे बाप, गजब पुष्पा जी, आप तो गजब जानलेवा और जहरीला मजाक करती हैं, गजब। संतु जी अपनी बहन को समझा दीजिएगा, ऐसा ना करें। मैं तो दो तीन बार जीजा बन चुका हूँ। सपना में? रियल में। मतलब मेरी शादी ना दो तीन बार होते होते रहेगी, लेकिन मैं जीजा होने का पूरा पूरा फील ले चुका हूँ। मेरी जो होने वाली है साली है ना, वो तो मुझे देखकर चीख पड़ती थी। ऐसी? अरे तुमको तो देखकर किसी का भी चीख निकल जाएगा रे पोपला राक्षस। तुम जैसा इंसान ना मोहल्ला की लड़कियों के शादी में जनरेटर में ना तेल भरने के लिए पैदा होते हो, खुद का शादी के लिए नहीं। गजब यार। मैडम सर ये मुद्दा है। आप सब पुलिस वाले हैं? बिल्ले चुप करो। हम मुद्दे पर आते हैं मैडम सर। बेटा ये क्या किया तुमने और क्यों? ये बस ये मामूली सी बात के लिए? ये आपको मामूली सी बात लग रही है? मैडम ये कहावत की वजह से हर जीजा को अधिकार मिल चुका है अपनी साली को छेड़ने, उसको परेशान करे, वो उस पे नॉनसेंस जोक मारे। अरे ये कोई बात होती है क्या? फिर चाहे साली को ये पसंद आए कि ना आए, वो कितनी भी इरिटेट क्यों ना हो रही हो, पर जीजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें लगता है कि उनको लाइसेंस मिल चुका है ये पुरानी कहावत की वजह से कि साली तो अधिक घरवाली होती है। अरे ये कोई बात हुई क्या? ये बहुत गलत है, इसको बंद होना चाहिए। ये रिश्ते की कोई मर्यादा होती है ना, उसको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक बात बताओ, तुम्हारे जीजा जी ने क्या तुम्हारे साथ कभी कोई बदतमीजी की है? जी मैम, बदतमीजी की है। जब भी मैं जीजी के घर रुकने जाती थी या फिर जीजा मेरे घर पे आता था तब उसने बदतमीजी किया और मैं एतराज करती तो कहते हैं अरे साली तो अधिक घरवाली होती है, साली के साथ मजाक नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। और कहने सुनने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि खुद मेरे घर वाले सब जानते हुए भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ये तो ट्रेडिशन है ना, ये अधिकार दिया है समाज ने। तुम इतना टेंशन मत लो, तुम्हारे जीजे को ना भी धर कर लाते हैं और उनको मर्यादा सिखाते हैं। चलो चलो। अरे नहीं नहीं मैडम, आप तो ऐसा कुछ भी मत करिएगा प्लीज। नहीं मैडम देखो, उनको पता चल गया ना कि मैं यहाँ पे आई और मैंने ये शिकायत की है तो ससुराल में फिर से कुछ हंगामा क्रिएट कर देंगे, आप समझ रहे हैं ना प्लीज। और रेडियो स्टेशन में जो तुम बवंडर मचा कर आई हो उसका क्या, वो उसके बारे में पता नहीं चलेगा तुम्हारे जीजे को? नहीं, क्योंकि उनको तो जीजा जी को ना रेडियो सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती है, वो तो बस सोशल मीडिया पे जोक्स ढूंढते रहते हैं। देखो मैडम, मैं तो ये इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरी जैसी लड़की को मैं जगाना चाहती थी जो इस कहावत की शिकार बन चुकी है। ठीक है, हम तुम्हारी बात समझ गए हैं। तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, हम कुछ अलग तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। क्या नाम है तुम्हारे जीजा जी का? रंजीत। रंजीत, और ये रंजीत करते क्या है? रोड कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, एक काम करो, तुम इत्मीनान से घर जाओ, हम देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है? थैंक यू मैम। मैडम थैंक यू। अशोक जी। हाँ जो चंदन नगर में हाँ? कार को पहुंचाने पहुंच गया क्या? नहीं सर, रास्ते में ट्रक पलट गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया सर। और ये नूर महल का रॉ मटेरियल, इनका तो एडवांस भी आ गया। कहाँ जा पाया सर,
अभी तक आर्डर यहाँ पे भी नहीं पहुँचा, उन्हें कैसे भिजवाएंगे सर? यार मनहूस से मनहूस खबर तक तुम ऐसे बड़ी स्माइल से सुना देते हो। मतलब क्या पॉजिटिव अप्रोच है आपका, वाह नेक्स्ट लेवल एकदम। और मैयत की खबर तक आप ऐसे सुना देते हो जैसे 14 साल के बाद घर में कोई नया बच्चा पैदा हुआ। बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूँ समझा। आप तो जानते हैं अपना नेचर थोड़ा सा फनी टाइप का है। क्या बात है, मैडम सर वह आलिया का जीजा आली है, आप भी फटाक से आलिया सर। जी हम है एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? 2 मिनट? हाजी आप कहे तो आपके साथ पूरी जिंदगी बिता दे हम। एक्सक्यूज मी, बुरा मत मानिएगा, छोटे से मजाकिया कसम के हैं। हाँ जी कहिए, क्या बात करनी है आपको? 2 बोला था ना 10 दिए, बोलिए। वो दरअसल क्या है, हमें डिपार्टमेंट की तरफ से बस थोड़े से ऐसे रूटीन सवाल पूछने हैं आपसे। हाँ पूछिए पूछिए। आपको क्या पसंद है? यही खूबसूरत लड़कियों से बातें करना। मजाक कर रहा हूँ, बराबर मानिएगा, बचपन से फनी नेचर के हैं आप। हाँ वैसे आपकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी, एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर से आप इस तरह का मजाक कर रहे हैं तो हिम्मत तो बहुत होगी, बड़ी बात है। क्यों ना हो मैडम, क्यों ना हो, और पुलिस वाले भी तो होते तो इंसान ही है ना। और मैडम वैसे भी हमने कोई बदतमीजी तो नहीं की आपके साथ, और थोड़ा सा हंसी मजाक जो कर लिया तो कौन सी धारा भंग होगी आपके कानून की बताइए। ओए, कौन है? ओए, कौन हो तुम? आवा, वर्कर हूँ सर। अबे वर्कर तुम वहाँ जाके काम करो ना, यहाँ क्या पसर रहा है, है? चलो उठा इसे। ये कौन है भाई? अरे उठ। जा रहा हूँ सर, थोड़ा सा कमर को सीधा कर ले दो ना। अबे तेरी कमर की तो उधर जाके काम करो, मारो वरना आउट, गेट आउट, मुझे इसे काम चोर लोग पसंद नहीं है, निकलो यहाँ से। शांत हो जाइए, ये तो बस मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हो ना। मजाक कर रहा हूँ सर। मैडम इनको काम करने के पैसे मिलते हैं, आराम करने के लिए नहीं। चलो जाओ जाओ, चलो जाओ काम करो, जाओ। जा रहा हूँ। ये ले जाओ, जाओ काम करो, जाओ। दोबारा दिखना नहीं इधर, चलो जल्दी। आप शांत हो जाइए, आप प्लीज इधर आइए, आप आइए 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 आइए, शांत 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 शांत। कैसे आदमी है मैडम? कोई बात नहीं, होता है, लेकिन एक बात बताइए, इतने छोटे से मजाक पर आपको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया? अरे किसको अच्छा लगेगा मैडम, हमारा तो गुस्से से खून खोलता बता रहे हैं। एक सेकंड भी अगर ये चूचा करता उसको तो दाएं बाएं सुझा देते बता रहे हैं, भले चाहे आप उठा के हमको जेल में पटक दे, परवाह नहीं है हमको। अच्छा इनके मजाक पर आपको इतना गुस्सा है, लेकिन इसी तरीके का मजाक जब आप अपनी साली के साथ करते हैं तब क्या? साली तो आधी घरवाली होती है, इस तरह का बेहुदा बेवक्त का मजाक आप भी तो करते हैं आलिया के साथ। उसने आपको कितनी बार मना किया, कितनी बार रोकने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं मानते, सोचिए उसे कितना गुस्सा आता होगा। अच्छा ये सब आलिया ने आपसे कहा? मतलब घर की बात पुलिस थाने तक पहुंचा दी उसने? नहीं ऐसी बात नहीं, आप हमारी बात का जवाब तो दीजिए। क्यों जवाब दें मैडम, है कोई कंप्लेंट है हमारे खिलाफ, कोई FIR रिपोर्ट हुई है क्या हमारे खिलाफ? अरे जीजा है मुझके, साली है हमारी, है मजाक नहीं कर सकते उसके साथ? और पुलिस क्यों आई है बीच में, घर वालों के मामले में पुलिस क्यों है? पुलिस बीच में नहीं आई है, आप शांत हो जाइए। हम शांत नहीं, आप तो ऐसा बर्ताव करिए मैडम की जैसे हमने हमारे साली के साथ मजाक करके पता नहीं कौन सा पार्ट टूट गया। आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हम तो बस आलिया की मदद करना चाहते हैं। देखिए आलिया की जो भी समस्या है हमसे आके बात करें, घर वालों से आके बात करें ना, पुलिस को क्यों बुलाएं, मतलब घर की बातें पुलिस तक। देखिए आपको कभी ना कभी तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा ना। कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझने की जरूरत है हमको, हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, समझे आप? और मैडम एक बात सुनिए, हमारे घर के मामले में
दखलअंदाजी मत कीजिएगा, वरना आप तो जानते हैं बचपन से हम मजकिया हैं, लेकिन जब दिमाग आउट होता है ना तो बहुत बड़ा भवंडर भी उठाते हैं। और हाँ मैडम, ये सब आपको गलत लगता हो ना तो खुला चैलेंज है आपको, आभार। जाके दुनिया वाले से किसी से भी पूछ लीजिए कि जीजा और साली का मजाक गलत है। 70% लोग भी अगर आपके इस बात से सहमत हो गए ना तो हम आपको वचन देते हैं कि इस कहावत का बहिष्कार हम खुद करेंगे, और तब तक नो इंटरफेरेंस प्लीज। चलो बिल्लू। यस मैडम सर। अरे ये आपका सामान, आप खुदाई करो। हाँ हाँ, उनका ही आदमी हूँ। हसीना मैडम। आलिया एक मिनट, क्या हुआ? आपको मैंने कितनी रिक्वेस्ट की थी कि आप जीजा को नहीं बताएंगे कि मैं यहाँ पे आई थी आपसे मदद मांगने के लिए। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो। हाँ ठीक है, हम समझ गए, लेकिन शांति से बताओ हुआ क्या है? आपने प्रॉमिस तोड़ा मैडम, अपने जीजा को जाकर सारी बातें बता दी और वो भड़क गए, और जीजा ने मेरा बदला जीजी से लिया है। उन्होंने जीजी को घर से निकाल दिया है। मेरी जीजी का घर टूट गया, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप है, सिर्फ आप मैडम। पहले से समाज बेटियों को बोझ मानता आ रहा है, कभी माँ बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी बहू बनकर, तो कभी साली बनकर हम बेटियों को ही तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन नहीं, मैं किसी भी हालत में अपनी जीजी का घर बचा के ही रहूंगी, फिर चाहे मुझे आपके खिलाफ FIR क्यों ना लिखवानी पड़े। FIR? क्या पगला गई हो क्या? FIR लिखोगी मैडम सर के खिलाफ? दिमाग जगह पर है तुम्हारा? मजबूरी है, इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी तभी जीजा को यकीन आएगा कि मैडम अपनी मर्जी से जीजा के पास गई थी, मैंने उनको नहीं भेजा था। तब जाके जीजा की नाराजगी दूर होगी और वो जीजी को घर वापस ले आएंगे। ये क्या बकैती कर रही हो तुम? बौरा गई हो? देखो हमारे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखिए खुद इंसाफ की देवी इंसाफ के कटघरे में। आपको पता भी है आप क्या बोल रही हैं? हाँ SHO हैं, यहाँ की थाना प्रमुख, आप इन्हीं के खिलाफ कंप्लेन करने की बात कर रही हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैडम सर आप ही की हेल्प कर रही थी। देखिए बस एक यही तरीका है जिससे मेरे जीजी का घर वापस बस सकता है। अगर आप लोग रिपोर्ट लिखते हैं तो ठीक है, वरना शहर में और भी थाने हैं, मैं वहां पे जाके रिपोर्ट लिखवाऊंगी। रुको, FIR लिखी जाएगी। मैडम सर ये क्या कह रही हैं आप? बातचीत करके अगर मसला हल हो सकता है तो फिर FIR क्यों? हम खुद अपने नाम की FIR लिखेंगे। आइए। मैडम सर ये क्या कर रही हैं आप? मैडम सर आप इन जज्बातों के चक्कर में मत फंसिए, इसके जीजे को हम उठा के लाते कंटाप लगाएंगे ना अपने आप जीजे को घर लेकर जाएगा, बता रहे हैं। बोलिए सर। मैडम सर
एक मिनट शांत मैडम, अरे कुछ तो लिहाज कीजिए, थाना में आप लोग सीनियर बैठे हुए, क्या कर रही हैं आप? हम यहाँ आलिया का साथ देने आए हैं। आलिया एकदम सही है, हम सबके साथ भी यही हो रहा है। हमारे जीजा भी हमें इसी तरह परेशान करते हैं, कभी कहीं भी छेड़ देते हैं, कमेंट मारते हैं, ऐसे ऐसे स्टूपिड जोक सुनाते हैं कि हंसना तो छोड़ो रोना तक नहीं आता। होली दिवाली जीजा का एंटरटेनमेंट हम ही रहते हैं। कोई हमसे तो पूछे हमारी पसंद और नापसंद क्या है। आलिया तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम ही हमारी हीरो हो। सोशल मीडिया पर सब तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी जैसी हजारों लड़कियां तुम्हारे साथ हैं। तुम बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आलिया ये FIR दिखा के मैं घर वालों को मना ही लूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे भी समस्या हल होगी, क्योंकि असली समस्या तो जीजा की नाराजगी है। जब तक जीजा की नाराजगी खत्म नहीं होती कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप लोग मेरा सपोर्ट करने के लिए यहाँ तक आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में उनका भी जो मुझे सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे हैं। ये लड़ाई हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, आप आइए मेरे साथ। क्या टाइमिंग थी इस कमबख्त लड़की की, इसे भी आज ही कंप्लेंट लिखवानी थी। क्यों, क्या हुआ? अरे कल DSP सर आए थे ना, यही तो बैठे थे अनाज की बोरी बनके, और हम सब ने उनकी जमकर बुराई की थी, ये सब उसी का तो नतीजा है। बुलाया है हमें DSP सर ने कंप्लेंट रजिस्टर और FIR रजिस्टर के साथ, वो देखना चाहते हैं कि हम अपने थाने में सारे केसेस कायदे से सुलझाते हैं कि नहीं। अब अगर इस लड़की का कंप्लेंट उन्होंने देख लिया तो मामला अपने थाने से उनके ऑफिस तक नहीं पहुंच जाएगा, और अगर मामला DSP सर के ऑफिस तक पहुंच गया तो फिर हमारा राजमा चावल भी कुछ नहीं कर पाएगा। May I come in, sir? Come in, come in. जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। तो क्या कहेंगी मिस मलिक अपने थाने के बिगड़े हुए डिसिप्लिन के बारे में? अरे वो आपको किस एंगल से थाना लगता है, जहाँ कोई कायदा नहीं, कानून नहीं, अनुशासन नहीं, कुछ भी नहीं? क्या इसीलिए प्रशासन ने महिला थाना बनाया था कि थाना के नाम पे सर्कस खेला जाए और ड्यूटी के नाम पे टाइम पास किया जाए? सर देखिए, हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं इस बारे में, हम पर्सनली अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे थाने में अनुशासन, डिसिप्लिन सब कुछ अच्छे से मेंटेन किया जाए। आई एम रियली सॉरी सर। सबसे पहले बिल्लू चोर को निकालो। सर बिल्लू चोर था, अब नहीं है। इनफैक्ट उसका खुफिया नेटवर्क इतना अच्छा है कि वो बहुत से केसेस में हमारी मदद करता है सर, वो हमारे काम आता है। अरे भाई हम सब जानते हैं वो काम नहीं आता है, आप लोगों का एंटरटेनमेंट करता है, टाइम पास करता है, जोक सुनाता है, हंसाता है। और क्या था वो, हम पुष्पा जी का टिफिन चोरी कर लेते, हम भुक्कड़ है, हम पेटू है, हम टिफिन के दुश्मन है। ले लीजिए ये पुष्पा जी का टिफिन, उनको दे दीजिएगा, भिजवाना भूल गए थे हम। सर इनफैक्ट हमें तो लगता है कि आपने तो कभी सामने से खुद होकर पुष्पा जी से उनका टिफिन कभी मांगा ही नहीं, वही हमेशा जबरदस्ती करती हैं, इतना ज्यादा ऑफर करती हैं कि आपको मजबूरन टिफिन लेना ही पड़ता है। सर बिल्कुल भाई, ये बात आपके जूनियर समझते कहाँ है। और तो वो टिफिन मैं इसलिए ले लेता था कि वो हमसे बड़ी हैं, बड़ों का हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए, वो हमारी बड़ी बहन जैसी हैं। अब वो आग्रह करती हैं तो हमें तो लेना ही पड़ेगा ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वैसे FIR रजिस्टर लाइए ना, हमने मंगाया था आपसे। सर देखिए क्या है ना कि हर कोई अपने किए को लेकर बहुत ज्यादा पछता रहा है, सब बहुत शर्मिंदा है, सबने हमसे ये वादा किया है कि अब वो अनुशासन और डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे, कोई मजाक मस्ती के बारे में सोचेगा भी नहीं सर, इसलिए प्लीज इस बार जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, इस बात को यहीं खत्म करते हैं।
तो ठीक है सर, फिर हम चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। अरे एक मिनट, अरे भाई वो FIR रजिस्टर दिखाया नहीं आपने, दिखाइए दिखाइए। जी सर लाइए। अरे ये क्या बकवास है भाई, आपके नाम पे FIR और हैंडराइटिंग भी आपकी ही है। दरअसल बात यह है कि ये एक केस के सिलसिले में ही है। एक लड़की है जिसे ये गलतफहमी हो गई है कि हमारी वजह से उसका नुकसान हुआ है। अच्छा, मतलब अब थाने में केस भी सीरियसली नहीं लिए जा रहे हैं? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ये केस के सिलसिले में ही है, ये उसी के लिए हम। तो फिर कैसा है मिस मलिक, थाने के SHO के खिलाफ ही FIR? ये बात आपको मजाक लगती है? इससे पता चलता है कि आप थाने को कितने निष्ठा से चला रही है। देखिए सर, दरअसल आप अभी जाइए, हम बाद में देखेंगे इस बारे में क्या करना है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.